मध्य प्रदेश के भोपाल में भी कोरोना को लेकर बनी वैक्सीनेशन के कार्य को शुरू करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि ट्रायल कामयाब होते ही वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा, सभी को फ्री में वैक्सीन लगेगी। लेकिन सरकार यह नहीं बता पा रही कि राज्य में आखिरी आदमी तक दो डोज कैसे पहुंचेंगी। आपको बता दें कि मंत्री विश्वास सारंग पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से हमारी तैयारी पूरी है, वैक्सीन आने से पहले ही कोल्ड चेन तैयार कर ली गई है, यही सबसे जरूरी है। वैक्सीन के लिए खास तापमान की जरूरत होती है, हमने ट्रांसपोर्टेशन ट्रक और खास तरह के फ्रीजर का इंतजाम कर लिया है। सभी लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा, पर फेज वाइज इसलिए है क्योंकि निर्माण उसकी उपलब्धता पर ये निर्भर करेगा कि कितनी हमें वैक्सीन मिल रही है, हम कितने लोगों को लगा सकते हैं, किन किन सेगमेंट में लगा सकते हैं। तो जो भी निर्देश होंगे उसका हम पालन करेंगे। ठीक है, अब आप ट्रायल पे आइए। ट्रायल भारत बायोटेक कंपनी का ट्रायल ICMR के गाइडलाइन पर, उनके निर्देशन में पूरे देश में हो रहा है और मध्य प्रदेश में गांधी मेडिकल कॉलेज और पीपल्स मेडिकल कॉलेज को चुना गया है। आज मैं पीपल्स मेडिकल कॉलेज का मैंने निरीक्षण किया, पूरी प्रक्रिया को समझा और हमारी सरकार कटिबद्ध है इस तरह के वैक्सीन के रोकथाम के लिए। और यदि वैक्सीन के ट्रायल को लेकर हमारी सरकार की ओर से जो भी सहयोग होगा वो हम करने के लिए तत्पर हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत बायोटेक की ये ट्रायल एक महीने के अंदर पूरी होगी, उसका जो भी रिजल्ट आएगा, वैक्सीन आती है तो हम वैक्सीन को जनता तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सर, दो संस्थान चुने गए थे, एक GMC जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है और एक प्राइवेट जो पीपल्स है। पीपल्स अपने यहाँ ट्रायल शुरू करवा दिया है लेकिन GMC में अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। देखिए, ये क्या, ये किस चीज़ का फेल? दो चीज़ें मुझे लगता है, एक तो इस तरह की किसी प्रक्रिया में हम प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ICMR की गाइडलाइन में हो रहा है, सरकार की एजेंसी ही कर रही है, क्योंकि GMC में हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो उनकी एक पर्टिकुलर साइट को लेकर कुछ तैयारी थी, इसलिए वो तैयारियां भी पूरी हो गई है। हमारी एथिकल कमेटी ने उसका अप्रूवल भी दे दिया है और ये नई साइट पर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये भी जो हो रहा है ये भी तो सरकार की गाइडलाइन पर ही हो रहा है, सरकार के निर्देशन में या सरकार के नियंत्रण में ही हो रहा है। तो इसको हम इस तरह से नहीं देखेंगे कि प्राइवेट में हो रहा है, गवर्नमेंट में नहीं हो रहा, ऐसे अलग अलग इसको हम कैटेगराइज ना करें। सब कुछ सरकार के ही गाइडलाइन के हिसाब से हो रहा है, सरकार के निरीक्षण में ही हो रहा है। जी, आज कल सर जो ट्रायल हो रहा है उसमें ये देखने को मिला था कि वॉलंटियर्स की सहमतियाँ कम मिल रही हैं, जबकि होना करीब 1000 लोगों पे है, तो उसको लेकर भी कुछ पुश किया जा रहा है। 2000 लोगों को होना है आज। हाँ। में होके आया है कि 80 साल के बुजुर्ग है मिस्टर गर्ग, वो तैयार हो गए, ऐसा नहीं है। देखिए, धीरे धीरे जन जागरण होगा, अभी धीरे धीरे पहुंचेगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि जब ट्रायल होता है तो वो जन जागरण के माध्यम से होता है, कंसर्न से होता है, सहमति से होता है। मुख्य मुद्दा यह नहीं है कि ट्रायल हो जाए, मुख्य मुद्दा यह है कि सहमति के साथ ट्रायल हो, इसलिए जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए उनकी काउंसलिंग हो रही है। मेरे सामने ही लोगों कम से कम 5 लोग तैयार हुए, ऐसा कुछ नहीं है। सब समय सीमा में समयबद्ध जो भी कार्यक्रम है उसमें ये ट्रायल पूरा हो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.